हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है संबल मस्जिद और बदायूं मस्जिद। जैसे कि आप लोग को पता है, संबल के बाद एक और केस निकल कर सामने आया जिस पर हिंदू पक्ष ने अपना दावा ठोक दिया है। अभी तक तो अभी संबल ही नहीं संभला था कि एक और मस्जिद का दावा ठोक देना और ये बताना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी बल्कि नीलकंठ महादेव का मंदिर था। और तो और संबल का केस अभी शांत भी नहीं हुआ था कि संबल के अंदर वहाँ की मस्जिद में एक लड़की का रेप करने की कोशिश की गई दो मौलानाओं के द्वारा। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जज से एएसआई के द्वारा ये बात बोली गई थी कि संबल के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस समय और हमारे पास संबल पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि संबल के अंदर इस समय काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। आप लोगों को ध्यान होगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हुई थी, वहाँ पर पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पथराव किए गए थे, गोलियाँ तक चलाई गई थी। इस प्रकार की वीडियो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में लगाई गई थी, दिखाई गई थी। तो आप कह सकते हो कि संबल का विवाद ये काफ़ी ज़्यादा इस समय अभी भी टाइमलाइन में बना हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए एएसआई के द्वारा कोर्ट के अंदर अनेक प्रकार के सबूत दिए गए हैं। यदि आप इस मैप को देखो तो आप यहां पर ये मैप देख सकते हो, अंग्रेजों के जमाने का ये मैप है और काफी ज्यादा पुराना, ये बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा पुराना मैप है। इस मैप को मीडिया में भी काफी ज्यादा शो कराया गया है, काफी ज्यादा दिखाया गया है। इस मैप में मंदिर का नक्शा साफ साफ दिख रहा है, मंदिर के अंदर रास्ते हैं ये दिख रहा है, मंदिर के नामों की लिस्ट तक की इस मैप के अंदर दिखाई जा रही है। दक्षिण में देखो तो भगवान कल्कि का मंदिर भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये बताया गया है कि भगवान कल्कि का जो आने वाले समय में अवतरण होगा वो इसी मंदिर में होगा। ये आप फोटो देख सकते हो जिसमें नामों की लिस्ट है। मतलब ये नक्शा साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर हरिहर मंदिर था। मतलब आप कह सकते हो कि मंदिर के ये साक्ष्य हैं जो सामने देख रहे हैं। आप ये भी देख सकते हो साफ साफ कि यहाँ पर कुंड का स्थान भी बना हुआ है, गोदावरी का स्थान भी बना हुआ है। और तो और यहां पर शिव मंदिर का मैप भी है और यहां पर देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है वंश गोपाल कुंड। मतलब इस नक्शे में साफ साफ लिखा हुआ है। और यदि और भी नामों की लिस्ट देखो तो यहां पर नामों की लिस्ट आप देख सकते हो, काफी ज्यादा नामों की लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कृष्णकूप, जिसमें लिखा है विष्णुकूप, सोनिकूप, वायुकूप, और यहां पर देख सकते हो यमकूप, प्रक्रमकूप, मृत्युंजयकूप, बलिकूप। मतलब आप कह सकते हो यह नक्शा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर मंदिर था, हरिहर मंदिर था। इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं वो कोर्ट के अंदर एएसआई के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। और इसमें मेन पार्टी कौन है? एएसआई और यूपी, मतलब यानी यूपी गवर्नमेंट। तो आप कह सकते हो कि ये मंदिर था हरिहर और ये मस्जिद नहीं थी, ये नक्शे में साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में कोर्ट का क्या फैसला होगा वो तो बाद में ही पता पड़ेगी। लेकिन अभी तक संबल का केस संभला ही नहीं था, संबल में एक और घटना घट गई, एक और कांड हो गया। अब वहां पर हुआ क्या तो आप यहां पर देख सकते हो, संबल की मस्जिद के अंदर अटेम्प्ट टू रेप ए गर्ल इन संबल मोस्क्यू। मतलब आप कह सकते हो संबल मस्जिद के अंदर एक लड़की का रेप करने की कोशिश की गई जिसमें दो मौलाना थे और दोनों के दोनों भाई थे। तो आप कह सकते हो वहां पर मस्जिद के अंदर एक लड़की का रेप करने की कोशिश की गई, उसको बंधक वहां पर बनाया गया था। अब ये बात सामने निकल के कैसे आई तो इसमें क्या हुआ, जो लड़की थी उसके द्वारा वहां पर काफी ज्यादा शोर शराबा किया गया, चिल्लाया गया। तो वहां पर जो आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो वहां पर जाते हैं मस्जिद में तो देखते हैं कि लड़के को वहां पर बंधक बनाया गया है दो मौलानाओं के द्वारा। हालांकि मौलानाओं को वहां पर पकड़ लिया गया है, पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जो वहां की पुलिस है, वहां के जो पुलिस अधिकारी है, उनका क्या कहना है आप लोगों को वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आरोप भी लगे हैं, क्या कुछ पूरा मामला, क्या ये दुष्कर्म का मामला, क्या मामला थोड़ा बता दें। ये कल 29 तारीख को थाना आजा को उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि उनकी एक बच्ची जो कि 13 वर्षीय है उसको एक मौलाना साजिद है उसके भाई द्वारा ढलान वाली मस्जिद गुन्नौर में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया जो कि यहाँ बच्ची 3 घंटे तक बंद रही थी। इसीलिए काम में रोष प्राप्त हुआ तो उन्होंने थाना आपके सूचना दी और पुलिस और बच्ची को उन्होंने जाकर रिकवर किया और उसके आधार पर उसके परिजनों ने अभियोग पंजीकृत करने के लिए जारी की थी। अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना के अनुक्रम में मौलाना साजिद और उसके जो भाई हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आगे की कार्रवाई क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं और आरोपी की उम्र बताइए। इसमें 64, 62, 127 और 61 DNSS और पॉक्सो एक्ट की 70/18 सेक्शन से लगाए गए हैं और उसके आधार पर सर इस तरह की चीजें पिछले काफी समय से सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में और भी जगह पर, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन भी आपको
जो भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, और हमारे लिए भी इस तरह के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाने योग्य बच्चे हैं, उनको कुछ किसी प्रकार के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ना हो, इसके लिए उनको काउंसलिंग भी किया जाएगा और उनको जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो आपने ये वीडियो देखी तो आप कह सकते हो कि वहां पर एक लड़की का रेप करने की कोशिश की गई है, जो लड़की की माँ है उसने FIR दर्ज वहां पर कराई है, और इन दोनों को जो रेपिस्ट हैं जिन्होंने रेप करने की कोशिश की उनको फिलहाल वहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। और अभी तो संभल का केस संभला ही नहीं था कि एक और केस निकल कर सामने आ गया, तो यहां पर देख सकते हो ये है बदायूं का केस, जिसमें बताया गया कि बदायूं के अंदर जो जामा मस्जिद है वो वास्तव में जामा मस्जिद नहीं थी, वो वास्तव में नीलकंठ महादेव का मंदिर था, ऐसा हिंदू पक्ष के द्वारा कोर्ट के अंदर ये दलीलें दी गई हैं। और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है 3 दिसंबर को, इसमें अभी तक एक ही पक्ष सुना गया है वो है हिंदू पक्ष, अभी तक मुस्लिम पक्ष यहां पर नहीं सुना गया है। 3 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष की सुनवाई है, मुस्लिम पक्ष द्वारा क्या कहा जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनके द्वारा मीडिया में क्या बताया गया आप लोगों को वो जरूर सुननी चाहिए। मोहम्मद गौरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली भेजा, दिल्ली पर राज स्थापित करने के बाद उस समय 2 राजा थे, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद। तो जो उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद ये जो बदायूं क्षेत्र है वो उस समय कन्नौज के अधीन आता था, तो उस समय जो कन्नौज के अधीन आता था तो सीधे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो लुटेरा था वो सीधे वो दिल्ली पहुँचा, दिल्ली पर उसने कब्जा करने के बाद उसके बाद उसने कन्नौज जयचंद को उन्होंने मारा, जयचंद के बाद वो सीधे बदायूं आया, बदायूं पर राजा महपाल को उसने मार के उसने अपना राज्य स्थापित यहाँ अपना कब्जा कर लिया गया। कब्जा करने के बाद उसने यहाँ पर अपने दामाद इलित मिस को बदायूं का सूबेदार बना गया, सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया, और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर तो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो इसी भी उसमें मौजूद चारों लिंग की दीवारें हैं, भाक्षी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें, वो सब कुछ अभी मौजूद है। ये याचिका आपके द्वारा कोर्ट में दायर की गई है जी, आज कोर्ट में क्या फैसला है? आज कोर्ट में सरकारी कोर्ट ने अपने राष्ट्रीय धरोहर माना है सरकार ने, और उसमें अपनी रिपोर्ट लगा दी है सरकार ने, और सरकारी कोर्ट के वकील की बहस पूरी हो गई है, अब इंतजामिया कमेटी अपना पक्ष रख रही है, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा अपना पक्ष रख रही है। तो आपने ये वीडियो सुनी तो आप कह सकते हो कि हिंदू पक्ष के द्वारा वहां पर कोर्ट के अंदर साक्ष्य दिए गए हैं, और ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था, लेकिन क्या हुआ इस बात को लेकर ओबीसी काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। अब ओबीसी ने क्या बात बोली है, उसने पे ट्विटर हैंडल पे क्या लिखा है, मोस्टली ये बात बोली गई है ओबीसी के द्वारा, जिस समय जो फ्यूचर जनरेशन है उसको AI टेक्नोलॉजी पढ़ाई जानी चाहिए, वहां पर इनके द्वारा फ्यूचर जो जनरेशन है उसको उलझाया जा रहा है ASI के सर्वे में, जो कि ओबीसी इस समय काफी ज्यादा गवर्नमेंट पे हमलावर है, उन्होंने गवर्नमेंट को सीधे टारगेट किया है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो ये ट्विटर हैंडल है ओबीसी का, यहां पर ओबीसी के द्वारा क्या बोला जा रहा है आप लोगों को वो जरूर सुनना चाहिए। इसमें ओबीसी के द्वारा सीधा बोला जा रहा है कि बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को निशाना बनाया गया, ये जो केस था ये 2022 में ये केस कोर्ट के अंदर गया था, जिसमें यह बात बोली गई थी कि यहां पर मंदिर है ना कि मस्जिद है। अब इसकी जो सुनवाई होगी अगले 3 दिसंबर को सुनवाई होगी, इसमें ASI जो भारत सरकार के में काम करती है वो उत्तर प्रदेश केस में भी पार्टी है, और यहां पर बार बार ये ओबीसी के द्वारा बार बार यही बात बोली जाती है कि दोनों सरकारों को 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन यहां पर इतने बड़े वकील होते हुए इनको ये तक नहीं पता कि 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यहां पर लागू होता ही नहीं है, मतलब या तो ये अफवाह फैला रहे हैं या इनको ये बात पता नहीं है। यदि ये बात इनको पता नहीं है तो वकील कैसे हो गए। तो आप सबसे पहले इनकी वो वीडियो जिसमें काफी ज्यादा जो फेमस वकील हैं उनके द्वारा इनको लताड़ा जा रहा है, मुझे तो आप सबसे पहले वो वीडियो सुनिए। दूंगा और माफी भी मांगूंगा कि कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया, ज्ञानव्यापी में आदेश जो था वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया, मथुरा श्री कृष्ण भूमि में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है, भोजशाला में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, यू आर जस्ट मतलब आप अफवाह फैला रहे हो। खुदाई बैरिस्टर है ना, मुझे बताए खुदाई का ऑर्डर कहां है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, उन्होंने कहा सेक्शन 3 और 4 पढ़ लीजिए मामला खत्म हो जाएगा। सर हम भी यही कह रहे हैं, बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो ASI द्वारा संरक्षित स्मारक है, और ASI ने स्मारक को 1920 में नोटिफाई किया था, तो यहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। और अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूं, ASI ने आज माननीय न्यायालय के सामने एफिडेविट फाइल किया है जिसमें ASI कह रही है कि हम ही वहां पर नहीं घुस पा रहे हैं,
मुझे आप जब भी आप कभी इनसे बात हो या फर्दर इंटरव्यू करें, इनसे पूछेगा बहुत विनम्रता से कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो एएसआई द्वारा संरक्षित है और एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। तो आपने ये वीडियो सुनी तो आप यहां पर कह सकते हो कि ओबीसी की यहां पर सीधे सीधे बोलती बंद कर दी गई थी इन फेमस वकील के द्वारा, आप इनको जानते होंगे। तो आप यहां पर कह सकते हो कि ओबीसी के द्वारा बार बार इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहां पर 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, इसमें साफ साफ ये बात हो चुकी है जो एएसआई के अंडर में होते हैं उन पर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता ही नहीं है, लेकिन बार बार इनके द्वारा इस प्रकार की अफवाहें फैलाना ये दंगे का रूप ले सकती है। और ये बात मैं पीछे बता चुका हूं कि इनका ये कहना है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को एआई टेक्नोलॉजी से विकसित किया जाना चाहिए, ना कि उनको उलझाया जाना चाहिए एएसआई सर्वे में। कुल मिलाकर कह सकते हो इनके द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर हमला किया गया है और ये काफी ज्यादा नाराज है इस समय, क्योंकि बार बार ये बोल रहे हैं कि मस्जिद को ही टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन इनसे ये बात पूछनी जानी चाहिए कि जो वास्तव में पहले मंदिर था उसको मंदिर ही रहने दिया जाता तो ये नौबत आती ही नहीं। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी कि इस समय संबल केस के बाद बदायूं की जामा मस्जिद भी खतरे में आती हुई दिख रही है, क्योंकि यहां पर दावा कर दिया गया है कि यहां पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।